हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। फर्स्टली जो है, अगर हम एटम की बात करते हैं तो पहले थॉमसन आया है। थॉमसन टोल्ड की जो एटम है सेम एज दैट ऑफ वाटरमेलन है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड आया है जिसने कि हमें ये बताया कि एटम के सेंटर में एक हैवी मास है जिसे हम प्रोटोन या फिर न्यूक्लियस बोलते हैं। देन बोहर कम्स तो उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ स्पेसिफिक पाथ एक एंड दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट, कि उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर एटम का हमें बताया। देन फिर इसके बाद जो है क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है, तो जिसमें हमने डी ब्रॉगली और हिंसबर्ग की बात की है, जिसमें डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, या वो प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, या न्यूट्रॉन है, या पाइमिजॉन्स हैं, जो भी ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, ये वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों पोजेस करते हैं। नेक्स्ट फिर हिंसबर्ग आया है। फिर हिंसबर्ग ने बताया कि जो एक टाइम पे हम जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इन दोनों ने, जो डी ब्रॉगली और हिंसबर्ग है, इन दोनों ने जो है इस स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को बनाने में काफ़ी हेल्प की है। जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, फिर उसने सोचा कि अगर ये दोनों बातें अगर माइक्रोस्कोपिक पे लग रही हैं तो इट मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगती हैं। तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो फिर ये भी क्या करेगा, ये भी अपना वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर पोजेस करता है, तो इट मीन्स ये भी वेव एमिट करता है, इसका भी मास है, इसकी भी वेलोसिटी है, एंड इट इज़ नेवर एट रेस्ट, इट इज़ कंटिन्यूसली मूविंग, ये ऑलवेज ये मूव करता रहता है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन बनी है। ये है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, दैट इज करली स्केयर जाई अपॉन करली एक्स स्केयर, करली स्केयर जाई अपॉन करली वाई स्केयर, करली भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ भी बोल सकते हैं। तो इसमें हर एक टर्म को बताते हैं, एम जो है वो मास है, ई जो है वो टोटल एनर्जी है, वी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने अभी बताया कभी भी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट नहीं रहता, और पोटेंशियल एनर्जी तब कंसिडर होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो। तो टोटल एनर्जी में से हमने पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर दिया, तो जो एनर्जी बचेगी फिर उसकी बात हो रही है। एम मास है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, जो जाई है, जाई वेव फंक्शन है, ये वेव को रिप्रेजेंट करता है, और जो जाई है ये वेव फंक्शन भी है, और ये एम्पलीट्यूड को भी डिस्क्राइब करता है, किसी वेव के एम्पलीट्यूड को, मीन्स कि इस टर्म को भी ये डिस्क्राइब करता है। अगर हम लाइट की बात करें तो इन केस ऑफ लाइट फिर हम बोलते हैं जो जाई है वो एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये ब्राइटनेस को शो करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारे पास अगर मान लो ये जो लिखा हुआ है डी बाय डी एक्स, मीन्स कि आपको ये प्लस टू लेवल में आएगा मैथमेटिक्स में, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर है डबल डेरिवेटिव ऑफ, तो ये डबल डेरिवेटिव है। अब इसके बाद जो है इस सारी इक्वेशन को हम किस में मॉडिफाई कर सकते हैं, इट कैन बी चेंजेस इनटू दिस हैमिल्टन ऑपरेटर जाई ई जाई। तो अब ये हैमिल्टन ऑपरेटर ऑपरेटर क्या होता है, तो देखो अब मान लो मैंने लिखा है 4 × 5, तो ये ऑपरेटर लगा हुआ है, मैथमेटिकली ऑपरेटर लगा हुआ है मल्टीप्लाई का। तो इट मीन्स अब मैंने अगर ये वर्ड ऑपरेटर नहीं यूज़ करना तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगी, ये जो है ये कैप लगा दूंगी, एम कैप, तो कैप का मीन्स ऑपरेटर है। तो सिमिलरली एच के ऊपर कैप का मतलब भी ये ऑपरेटर है। जाई जो है वो वेव वो एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, वेव की एम्पलीट्यूड को, ई एनर्जी है, डन। अब आता है कि जो हमारे पास ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो जो जाई है वो एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है, मैंने पहले बोला कि वेव की एम्पलीट्यूड को डिस्क्राइब करता है। अगर तो वो वेव जो है वो लाइट वेव की, रोशनी की वेव की बात हो रही है, तो इट मीन्स वो जाई स्केयर जो है वो इंटेंसिटी, वो ब्राइटनेस को शो करेगा। बट अब मैं लाइट की तो बात कर नहीं रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, मैं तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में जो जाई स्केयर है
वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करता है, मींस कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी हो सकती है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट एट दैट पोजीशन, बट नो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी प्रेजेंट एट दैट पोजीशन, वो ऑर्बिटल में कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, जाई स्क्वायर बोलते हैं। आई होप आपको इतना जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है, इससे ही जो ये इक्वेशन बनी है, इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप ई एनर्जी, आप जाई फाइंड कर सकते हो, एनर्जी भी और जाई भी, दोनों ही, मीन्स ईगन वैल्यू एंड ईगन फंक्शन आप दोनों ही फाइंड कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज सफिशेंट फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।